पर्यावरण को बचाने के लिए हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने बाजार में जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर एनसीसी के कैडेट्स ने पर्यावरण बचाने के साथ साथ पानी को बचाने का संदेश भी दिया। एनसीसी कैडेट्स ने हाथों में तख्तियां लेकर जोर से नारे भी लगाए और जल का सदुपयोग करने के साथ साथ पेड़ों को बचाने की लोगों से अपील भी की। पर्यावरण को बचाने के लिए हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के एनसीसी कैडेट ने बाजार में जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर एनसीसी के कैडेटों ने पर्यावरण बचाने के साथ साथ पानी को बचाने के लिए संदेश दिया। एनसीसी कैडेट ने हाथों में तख्तियां लेकर जोर से नारे भी लगाए और जल का सदुपयोग करने के साथ साथ पेड़ों को बचाने के लिए लोगों से अपील की। एनसीसी कैडेटों ने गांधी चौक से लेकर बोटा चौक तक जागरूकता रैली निकालकर पर्यावरण बचाने के लिए संदेश दिया। रैली के दौरान स्कूल के अध्यापक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि गर्मियों में पानी की कमी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ जल का सदुपयोग करने के लिए नारे लगाकर भी जागरूक किया गया। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर एएनओ वीरेंद्र शर्मा एनसीसी के माध्यम से हर महीने के अंतिम शनिवार को हमारे को एक रैली आयोजित करने के लिए दी जाती है। इस बार हमारी रैली का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। तो इसके माध्यम से हम आम जनता को यही बताना चाहते हैं कि हमारा जल अगर संरक्षित रहेगा तो हमारा कल भी जो है वो हमारा जो है कल या हमारा भविष्य जो है वो भी कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। और जल जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हम जो है लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जल का जो है वो उचित तरीके से इस्तेमाल करें और ताकि जो है इसको हम बचाकर जो है भविष्य को सुरक्षित रखें। नाम क्या जी? वीरेंद्र शर्मा एएनओ गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।